प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइफ में। और दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपनी उन सभी डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार इस चैनल में अपनी प्रेजेंस दी है। तो पुनः एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का जो बहुत ख़ास चैनल आया है, जो मैसेज आया है, वो हमारे डीएम्स का है। जो डीएम प्योरिफिकेशन में हैं इस समय, उनकी लगातार एनर्जी जो है वो फील हो रही थी। बजाय इसके कि हमारी जो डीएफ हैं इस समय, हमारी डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं, उनको जो फील हुआ था वो बहुत ही थकान भरे दिन लग रहे होंगे और बहुत लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन फील हो रही है। उसका रीज़न क्या है, तो ये आज हमारे डीएम बताने जा रहे हैं कि उसका रीज़न क्या है। जो चैनल डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से आए हैं वो मैं आपको डिलीवर करने जा रही हूँ। तो बिल्कुल आराम की मुद्रा में बैठ जाइए, आराम से सुनिए आप कि क्या आपके मैसेज दे रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले जब से जून स्टार्ट हुआ है तब से डीएम की प्योरिफिकेशन का वक्त चल रहा है, क्योंकि बैलेंसिंग, एनर्जी बैलेंसिंग का ये वक्त है, एक हार्मनी क्रिएट करने का जो वक्त है। ऐसे में हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए जो अनाउंसमेंट आया था वो ये है कि पिछले महीने जितने भी ड्रास्टिक चेंज आपने महसूस किए, यानी फिफ्थ मंथ में जो भी हलचल बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, तो सिक्स मंथ आते आते वीनस का जो इफ़ेक्ट आया है उसके साथ साथ अनाउंसमेंट जो आया था वो ये था कि आप सभी को एक साइलेंस क्रिएट करनी है, एक हार्मनी अटेंड करनी है। और उस हार्मनी को अटेंड करने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। चूँकि डीएफ इस मामले में परफेक्ट होते जा रहे हैं, वो मेडिटेशन के साथ साथ इनर वर्क और सेल्फ पीस और सेल्फ लव की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। और सिर्फ बढ़ ही नहीं रहे हैं, अपने आप को बहुत स्टैग्नेंट और अच्छे तरह से, मजबूत तरीके से स्ट्रेंथन फील कर रहे हैं। और सेल्फ प्लेजर में भी आ रहे हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन में आ रहे हैं, सेल्फ सॉलिटेयर्स में है। तो डिवाइन फेमिनाइन, इतना सब होने के बावजूद भी जैसे ही ये लूनर इक्लिप्स आया है, आपको जो लो वाइब्रेशन फील हुई है उसका भी रीज़न बताया गया है लास्ट एपिसोड में, कि आप लूनर इफेक्ट की वजह से, इसमें कहीं कोई डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। क्योंकि लूनर इक्लिप्स था तो वो दोनों तरह की एनर्जीज जो है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन और पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट होने की वजह से हलचल में आई थी, जिसकी वजह से आपने पिछले 6 दिन, आज ये लास्ट डे है, तो उसके इन 6 दिन में आप बहुत लो एनर्जी वाइब्रेशन फील कर रहे थे। आज का जो करंट एनर्जी मिल रही है जो डीएम की है, वो ये है कि ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन प्रोसेस, जब कभी ऐसा होता है कि आपकी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ झाड़ दी जाती हैं, तो एक तरह का साइलेंस डीएम की तरफ भी क्रिएट हो गया है और वो फील कर पा रहे हैं एक सन्नाटे जैसा माहौल। उनके माइंड, सोल और हार्ट तीनों में एक खालीपन, सूनापन सा उन्हें महसूस हुआ है, जिसके लिए उन्होंने कुछ मैसेजेस जो हैं वो अपनी एनर्जी के माध्यम से चैनल किए हैं। हो सकता है जो हमारी अवेकन फेमिनाइंस हैं, कुछ फेमिनाइंस ऐसी हैं जो हमारे 5D वर्ल्ड को भी अटेंड कर चुकी हैं और वो उस समय प्रैक्टिस कर रही हैं 5D में। और इसके लिए भी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस डालिए। बहुत सी हमारी फेमिनाइंस हैं जो अवेकन हो चुकी हैं और वो 5D एक्सपीरियंस कर रही हैं और बहुत अच्छे से अपने प्रैक्टिस को जारी रखे हुए हैं, यहाँ तक कि उनके इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होने लगे होंगे अब तक, और वो फील कर पा रही होंगी खुद, अपने लाइट वर्कर्स के अलावा भी वो खुद से भी इंट्यूशन उनके इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो अपने डीएम की एनर्जी को डायरेक्ट फील कर पा रही हैं। तो मैं उन 5th D में जो अवेकन फेमिनाइंस हैं, उनसे ज़रूर कहूँगी कि अपने कमेंट बॉक्स में ये एक्सपीरियंस ज़रूर डालिएगा कि इस आज के दिन से आप लोगों ने कौन से डीएम की एनर्जी को ग्रैस्प किया है, क्या अटेंड किया है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको मैं ये चैनल मैसेज देना चाहूँगी, जो डीएम हैं वो इस समय एक टाइप ऑफ ब्लैंक फीलिंग फील कर रहे हैं, जैसा कि बहुत बड़ा तूफान, झंझावात आने के बाद जो शांति होती है, चूँकि वो प्योरिफिकेशन प्रोसेस में थे और अभी तक वो बहुत ज़्यादा कार्मिक एक्टिविटीज़ से उलझे हुए थे। तो जब डिवाइन अपने वर्क पे उनको लेके आए और काफ़ी तरीके से उनका प्योरिफिकेशन चल रहा था, जैसे कि उनका ईगो डिमोलिश किया जा रहा है, उनका जो नेगेटिव और भी
वर्क उनके थे, ये जेलस था जो बहुत ज़्यादा एंगर था जिसके साथ उन्होंने बहुत एटीट्यूड के साथ डील किया था पिछली पास्ट जो प्रेजेंट लाइफ पीछे बीती है उनकी। तो उसके बाद जब ये प्योरिफिकेशन में सरेंडर कर चुके थे अपने डिवाइन को, अभी लगभग लगभग वो प्रोसेस हो चुके हैं, हो रहे हैं, और उनको जो फील हो रहा है अपनी डिवाइन फेमिनाइन का, वो एक के बाद एक करके उनको विजुअलाइज होता जा रहा है। जैसे जैसे उनकी लेयरिंग कट रही हैं, जैसे जैसे उनकी नेगेटिव लेयर्स झाड़ी जा रही हैं, उनके नेगेटिव एनर्जीज जितनी भी थी उनको डंप किया गया है, तो अब जैसे जैसे वो प्योरीफाई होकर अपनी पॉजिटिविटी को अटेन कर रहे हैं, वैसे वैसे उनको अपने काउंटर सोल की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी है। और जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज उनका है अपनी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए, वो ये कि एक इमोशनल फ्लो में वो अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइंस, आपके जितने भी डीएम हैं वो सभी इस समय ब्लैंक फीलिंग में हैं, और ऐसे में उनके दिमाग में, उनके हार्ट में, उनकी पूरी सोल जो है वाइब्रेशन आपकी फील कर रही है, आपको मैसेज करने की कोशिश कर रही है, आप तक कांटेक्ट तो कर रही है, लेकिन जो चीज़ उनके आड़े आ रही है वो है उनका थ्रोट चक्रा का ब्लॉकेज। तो जितनी भी हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं पिछले 24 घंटे में और आने वाले कुछ दिनों में, वो लगातार फील करेंगी कि उनके गले में, उनको ऐसा फील होगा कि उनके हार्ट से उठ के कोई एनर्जी आती है और गले तक जाके चोक हो रही है। तो ये जो एनर्जी आप फील करेंगे, आपको खांसी भी हो सकती है, आपके गले में चोक फीलिंग भी आएगी, कुछ ऐसा लगेगा जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पे अटक गई है, और ये लगातार आपको एहसास बना रहेगा। कभी कभी कम होगा, कभी कभी एकदम ज़्यादा, और ज़्यादातर ये आज जो मुझे महसूस हुआ वो मॉर्निंग के टाइम से है कि 8 बजे के बाद से लेके 11 बजे तक आपको ये चोक फीलिंग ज़रूर महसूस होगी, और कहा नहीं जा सकता है, उसके बावजूद भी आप महसूस करेंगे कि कुछ ऐसा है, कोई एनर्जी टाइप ऐसा उठता है जो आपके हार्ट चक्र से ऊपर आता है और आपके थ्रोट चक्र में आके एक बॉल जैसी फीलिंग आपको महसूस होगी, यानी कि वो एनर्जी वहाँ ब्लॉक हो रही है। तो ये एनर्जी जो आप फील कर रहे हैं या कर रहे होंगे, ये आपके मैस्कुलाइन की वो इमोशंस हैं जो उनके हार्ट से रिलीज हो तो रहे हैं, बट अभी उनके पास, चूँकि उनका ईगो तो झाड़ा जा चुका है, लेकिन अभी भी उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आया। उनके माइंड में, उनके सोल में, उनके पूरी तरीके से हार्ट में भी आप ही आप दिख रहे हैं इस समय, और इनके इमोशन बहुत उमड़ घुमड़ के बाहर आने की कोशिश में हैं, और वो पूरी तरह से सरेंडर फेज में है। आंखें तो बंद हैं मगर ध्यान प्रभु के बाद आपका है, और वो चाहते हैं कि जितना भी वो मिलके बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं, बहुत सारे इमोशन आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, मगर अभी उनके पास जो नहीं है वो है उन इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका, वो शब्द, वो कम्युनिकेशन मीडियम उन्हें नहीं मिल रहा है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे, हाउ, मतलब कैसे वो आपको कनेक्ट करें, क्योंकि अगर वो सामने भी आ जाएंगे तो वो एक तरह का ब्लॉकेज फील कर रहे हैं। तो आपको जो महसूस किया जाना है वो ये है कि जब भी आप ये ब्लॉकेज फील करें, आपको ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी सामने आ सकती है, क्योंकि बहुत सारा इमोशन के साथ जब आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो एक इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और वो इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस ऑफ जो आपकी इंस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इंस्पिरेशन एंड एक्सहेल सिस्टम जो है, उसमें भी आपको डिस्टर्बेंस होगा। इनहेल और एक्सहेल प्रॉब्लम आपको फील हो सकती है, आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज फील हो सकता है, आपको इनफैक्ट पानी पीते समय भी लगेगा कि जैसे गले में कुछ रुक रहा है। तो अगर ऐसा हो तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको जो ज़रूरत है करने की तो वो है आपको हार्ट चक्रा को टैप करने की,
लगातार उनको ये फील कराने की कि इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं आपको फील कर पा रही हूँ। और जो कम्युनिकेशन वो नहीं कर पा रहे हैं आप तक, और जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से ब्लॉकेज वो फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक तरह से हेल्पलेस फीलिंग में है, तो आपको जो करना है डिवाइन फेमिनाइंस अपने मैस्कुलाइन के लिए जितना भी वर्क है वो आपको ही करना है इस वक्त। तो आपको थ्रोट चक्रा पे वर्क करना है, थ्रोट चक्रा के लिए जो चैंटिंग है वो आप करें, और साथ ही साथ अपने हार्ट चक्रा को भी मजबूत करें, और जहाँ तक हो सकता है अपने आप को काम और पीस में लाएं, ओम चैंटिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये है आज की करंट एनर्जी जो मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को देना चाह रहे हैं, यानी कि आपको उनके इम्बैलेंस एनर्जी जो है, बाकी सब चीज़ों में वो बैलेंस हो चुके हैं, उनका मैस्कुलाइन एनर्जी अभी लेवल से नीचे आ गई है जो बहुत हाइपर थी, और अब वो फेमिनाइन एनर्जी को रेज कर रहे हैं। तो फेमिनाइन एनर्जी रेज करने का रीज़न ये भी है कि इतने दिनों से जो लगातार प्रैक्टिस करके आप ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, अपनी ऊर्जा भेज रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ उनको डिलीवर कर रहे हैं, उस स्ट्रेंथ के बाद प्योरिफिकेशन भी हो रहा है उनका, तो टोटल वो सर्विसिंग पे हैं, और अभी वो पूरी तरह से आपको फील कर सकते हैं, आपको खुली आंखों से भी देख सकते हैं, आपको मन में भी महसूस कर रहे हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि शिवाय का रूप यहाँ पे दिखाया गया है, पूरी तरह से थर्ड आई अवेकन होने के उसमें है, वो सेल्फ रियलाइजेशन में आ रहे हैं, और जो आँखें खुली हुई हैं तो उसमें एक ठहराव है, और ये ठहराव ये दिखा रहा है कि इंतज़ार, अजीब सा ठहराव है जिसमें बहुत सारे इमोशन दिख तो रहे हैं मगर एक शांति भी बनी हुई है जो कि बाहर नहीं आ पा रही है। तो ऐसे में आपको अपने थ्रोट चक्रा और अपने हार्ट चक्रा को और पावर देनी है। ये पावर आप डायरेक्ट डिलीवर करेंगे अपने कॉर्ड से, जो आपकी कनेक्शन कॉर्ड कनेक्शन है आपके मैस्कुलाइन से, तो आपको उनको ये रियलाइज़ कराना है कि यस आई एम लिसनिंग यू, मैं आपको सुन रही हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन, हम बिल्कुल पूरी तरह से समझ रहे हैं जो भी है। कभी ऐसा होता है जब कोई बहुत रोना चाहता है या बहुत ज़्यादा खुश होता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, तो उसके शब्द उसको नहीं मिलते और वो एक घुमड़ सी फीलिंग होती है, तो कुछ ऐसा ही फीलिंग आ रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन का, जो अपनी फेमिनाइन से एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आई एम फीलिंग हेल्पलेस विदाउट वर्ड्स, मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता कि सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और आपको कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ, मैं अभी बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे मेडिटेशन के बाद आप बोलना नहीं चाहते हैं ना, ऐसी ही कुछ फीलिंग है कि उनके पास बहुत सारे इमोशन हैं आपको लेके, मगर वो बस ये कहते हैं कि महसूस कर लो, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे थ्रोट चक्र बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, अभी कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है। तो आपको जो डिवाइन फेमिनाइंस करना है वो है थ्रोट चक्रा पे वर्क करिए, आप ओम का जाप करिए, और जहाँ तक हो सकता है अपने हार्ट चक्रा को और थ्रोट चक्रा को बैलेंस करके उनको रियलाइज़ करवाइए कि हम समझ सकते हैं बिना बोले भी, और अपने कॉर्ड कनेक्शन को यहाँ पर यूज़ करिए, और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेदर यू आर फीलिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, वेदर यू आर फीलिंग एनी चोक और चोकिंग प्रॉब्लम इन योर थ्रोट, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और ये है आज आपकी करंट एनर्जी मैस्कुलाइन की, जो फेमिनाइन के लिए जो मैसेज है, तो यस दे आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, दे आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव, येट वो अभी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट रिफॉर्मेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया है। तो बहुत समय की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है इसमें है, कुछ ही दिन बाद आपको कम्युनिकेशन, जैसे ही आप हील कर पाओगे अपने थ्रोट चक्रा को भी, तो आपका कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा आपको। और मैंने जैसा बताया था कि जो 6 मंथ है वो ज़्यादातर हारमोनियस एक्टिविटीज़ में जाएगा, तो देखिए बिल्कुल यही चीज़ें स्टेप बाई स्टेप सामने आ रही हैं। प्रॉब्लम अगर डीएम की तरफ होती है तो हार्मनी बैलेंस करने के लिए डीएफ यहाँ रेडी हैं, और चूंकि वो एकदम इसीलिए पहले से हमेशा डीएफ हमेशा पहले से अवेकन हो जाती हैं, और उसका रीज़न यही है कि उनको बहुत सारी मैस्कुलाइन को हमेशा फेमिनाइन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती रहती है, और फेमिनाइन ऐसी एनर्जी है जो अक्सर सबसे पहले अपने आप को मैनेज कर लेती है, वो अपने आप के लिए रीस्टोर कर लेती है। जैसा कि आपने फेमिनाइन फीचर्स में देखा होगा कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है अगर,
तो सॉल्यूशन फेमिनाइन के पास मौजूद रहता है, वो कहीं ना कहीं कुछ कंजर्व करके अपने पास रखते हैं हिडन पीस, और वही चीज़ है कि यहाँ पे अपनी बैटरी चार्ज करके फेमिनाइंस ने काफ़ी ऊर्जा इकट्ठी पहले से कर ली है कि ऐसा अगर कोई वक्त आता है तो वो वक्त आ गया है। आपके मैस्कुलाइन को इस समय हर तरह से नीड है कि आप उनके चक्रास को बैलेंस करें, एक हार्मनी क्रिएट करें, उनके जो इम्बैलेंस हो रहा है, उनका जो फीलिंग्स इमोशन वो अभी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ है, ओवरफ्लो हो रहा है, ओवर फ्लडेड है, और ऐसे में जो कमी पड़ रही है उनको कि व्यक्त करने के लिए, मैस्कुलाइन कभी भी उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, ये सभी लोग जानते हैं, वो एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, वो फील तो करते हैं मगर एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, आँखों से भी दिख सकता है लेकिन ज़ुबान से कुछ नहीं निकलता, कुछ ऐसी फीलिंग है। तो फेमिनाइंस, होप आज का मैसेज आप सभी समझ गए होंगे, तो अपने कॉमेंट ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में डालिए, और ये संभव है दोस्तों कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि आप सभी के जवाब दे सकूँ। इन केस अगर कोई जवाब रह जाता है तो आप लोग प्लीज़ रेस्टलेस ना हो, और मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोग के एक जैसे मिलते जुलते जो क्वेश्चन होते हैं हर वीडियो के लास्ट में, किन्हीं दो एक जैसे क्वेश्चन जो आते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल एक जैसे ही होते हैं, तो किन्हीं दो टॉपिक को सेलेक्ट करके उनके जवाब में ज़रूर दिया करूँगी हर वीडियो के एंड में, कोशिश यही रहेगी। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो बहुत कॉमन जो मुझे मिला वो ये है कि क्या डिवाइन, क्यों डिवाइन फेमिनाइंस ही हमेशा पहले जागृत होती हैं। तो ये सवाल वास्तव में बहुत अच्छा सवाल है और सच भी है कि डिवाइन फेमिनाइन नेचुरली वो डिज़ाइंड ही ऐसी होती हैं, चाहे आप देख लीजिए कि बच्चे हों या उम्र के किसी भी पड़ाव में, जो फीमेल होती है वो हमेशा पहले अवेकन होती है। आप देखिए कि ये कहावत भी है कि जो बच्चियां हैं वो पहले मैच्योर हो जाती हैं, या बच्चियां हैं वो पहले समझदार हो जाती हैं, बच्चियों के इमोशन पहले आते हैं, जैसा कि सभी माता पिता भी ये कहते हैं कि जो हमारी बेटियां होती हैं वो अंडरस्टैंडिंग होती हैं, उनके इमोशन पहले एक्टिव हो जाते हैं। तो ये नेचुरल गॉड क्रिएशन है कि हमेशा जो इमोशन का पार्ट होता है वो फेमिनाइन में पहले अवेकन होता है। तो होप आपको ये जवाब मिल गया होगा। जो मैस्कुलाइन होते हैं, हो सकता है कि वो अवेकनिंग में तो होते हैं, उनके इमोशन तो होते हैं बराबर, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन है कि फेमिनाइंस को पहले जागृत किया जाता है या मैस्कुलाइन को, नहीं नहीं, लेकिन फेमिनाइन एक्सप्रेसिव होती हैं। बचपन में ही देख लीजिए, जो बच्चियाँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, वो बड़े प्यार से अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना और अपनी चीज़ों को कहलवा लेना जानती हैं, मगर उसी जगह पे उन्हीं की उम्र के जो मेल बॉयज़ होते हैं, जो मेल होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उतनी अच्छी तरीके से जैसे फेमिनाइन, यानी कि जैसे बेटियां या बच्चियां कर लेती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है, क्योंकि बाई नेचर ही फेमिनाइन जो होती हैं वो बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं अपने इमोशंस को लेके, अगर वो कुछ फील करते हैं तो तुरंत अभिव्यक्ति में आ जाते हैं और सामने रखते हैं अपनी भावनाओं को, बट मैस्कुलाइन के साथ ऐसा नहीं है। तो इसका जवाब यहाँ पे यही है कि ऐसा नहीं है कि मैस्कुलाइन अवेकन नहीं होते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि मैस्कुलाइन मिलने से पहले ही अवेकन हो चुके होते हैं, यह भी संभव है। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, उनको फीलिंग्स आती हैं, उनको भले ही अपना काउंटर पार्ट ना मिले, मैस्कुलाइन के साथ ऐसा देखा गया है कि उनको ये एहसास कहीं ना कहीं रहता है कि कुछ है जिसे मुझे खोजना है, और ये पहले मैस्कुलाइन में आता है लेकिन वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते। तो और दूसरा एक सवाल जो है, जो दोस्तों मुझे थोड़ा सा दुख भी है, कुछ लोग ट्रोलिंग मोड में हैं इस समय, तो ऐसा तो संभव है, दुख इस बात का है कि जितना भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपके सभी सवालों का जवाब मैं दूँ और मैं देने की कोशिश करती हूँ, और मैं पूरी तरह से डिवोटेड हूँ आपके लिए, आपके प्रत्येक सवाल का जवाब मैं देती हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है कि सिंगल चैनल में मैं एक तरफ से बोलूँ और सारी बातें आप समझें, ऐसा संभव नहीं है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि कुछ समय बाद जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है मैं लाइव चैट लेना भी शुरू करूँ वंस इन अ वीक,
ताकि आप सभी की प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट वहीं पे सेटिस्फाई किया जा सके। लेकिन आज के जो दो क्वेश्चन थे उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि क्यों हमेशा डिवाइन फेमिनाइंस पहले जागृत होती हैं, क्या ऐसा कोई नियम है? तो उसका जवाब ये है कि नेचर डिज़ाइनिंग जो है उसमें हमेशा फेमिनाइंस एक्सप्रेसिव होती हैं। पहले आंसर करना, पहले इमोशन व्यक्त करना, पहले अपने आप को एक्सप्रेस कर देना, ये फेमिनाइन कैरेक्टर होता है। उसी जगह पे सेम इंटेलिजेंस, सेम फीलिंग, सेम इमोशन रखने वाले मैस्कुलाइन उतना एक्स्ट्रोवर्ट यानी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो जिसको एक टर्म दिया गया है कि वो एक मास्क कैरी करते हैं, यानी फीलिंग्स होने के बावजूद वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन में या अपने आप को वर्ड्स में या ऐसे अपने आप को उजागर नहीं करते हैं, अपने आप को तुरंत नहीं दिखाते कि मैं ये फील कर रहा हूँ, चाहे रोने का हो, चाहे हंसने का हो, चाहे किसी तरह का इमोशन हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो ये आंसर हुआ। सेकेंड क्वेश्चन जो मैं बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि आपने तो बताया है कि 30 से 35 या 35 से 40 के बीच में ही हमेशा डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन टकराते हैं, यानी काउंटर एनर्जीज़ का एक फिक्स टाइम दे दिया है आपने। दोस्तों ऐसा होता नहीं है। देखिए कोई भी बात अगर चैनल पे बताई जा रही है तो वो एक स्लॉट को बताई जा रही है जिसमें एक एवरेज बताया जाता है। अगर आपको कहा गया है कि जर्नी जो स्टार्ट होती है इसकी अवेकनिंग लगभग इस एज में होती है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर किसी को 25 या उससे पहले अवेकनिंग हो गई तो इस रूल को ब्रेक कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए 100% रिज़ल्ट कभी नहीं होता है किसी भी जगह पे, तो एक एवरेज बताया जाता है। यानी हम एक पूरे ग्रुप की अगर हम एनर्जी बता रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि 100 out of 100 ही पूरे ये उसको रेजोनेट करें, एक मेन एवरेज बता दिया जाता है कि ये तो होता है और उसी को आपको फॉलो करना है। इन केस कुछ लोग पहले अवेकन, ऐसा बहुत पॉसिबल हो सकता है कि जो लोग इनकार्नेशन की तरफ होते हैं, जो डिवाइन सोल, जो काउंटर एनर्जीज हैं, अगर वो इनकार्नेशन की तरफ आ चुकी हैं यानी वो सुपर मैच्योर हो चुकी हैं, तो ये बहुत हद तक संभव है। लेकिन 1 in 1,000, 1 in 1,000,000 ये संभव है कि इनकार्नेशन सोल्स जो होती हैं वो मिले हमें एक ग्रुप में, तो ऐसा संभव है। इनकार्नेशन की तरफ बढ़ने वाली जो सोल होती है वो कुछ हाईली अवेकन होती हैं, और कई बार तो ऐसा हो गया है, होता है कि बिना काउंटर एनर्जी के मिले ही वो प्रीवियसली अवेकेंड ही होती हैं, उन्हें पहले से ही पता होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जन्म लेने के बाद बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, वो ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन देने लगता है जिसे पास्ट लाइफ का जो होता है ना मेमोरीज, वो तो रहती ही हैं, साथ में उसको ये भी पता होता है कि अभी कुछ दिन बाद मुझे ये पर्सन मिलेंगे। तो ये जो सोल होती हैं ये बहुत मैच्योर होती हैं, ट्विन फ्लेम्स में भी ये बहुत हाईली मैच्योर होती हैं, और इनकी अवेकनिंग का कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, कभी भी एज में हो सकती है। तो कुछ लोगों का जो सवाल था कि ये ज़रूरी नहीं है कि 30 से 45 जो आपने बताया है उसी में अवेकनिंग हो, तो मैं आपको डिक्लेयर कर दूँ, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दे रही हूँ कि जो भी यहाँ पे बताया जाता है वो एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए होता है, जिसके लिए एक एवरेज मीन बताया जाता है आपको कि हाँ 90% लोगों का ऐसा होता है, लेकिन जो रेस्ट 10% होता है उनकी अवेकनिंग पहले भी हो सकती है। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने की ज़रूरत है अगर कोई फील कर रहा है कि नहीं हमें काउंटर पार्ट के मिलने से पहले भी अवेकनिंग फील हो रही है, तो ये संभव है, उसके लिए बिल्कुल निराश ना हो। और 100% हमेशा किसी भी चैनल पे आप जाइए, किसी भी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाइए, कहीं पे भी आपको एक पौधा भी लगाया जाता है, कोई फल वाला पौधा लगाया जाए तो हमेशा ये बताया जाता है कि इतनी दिनों बाद इसमें फल आएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपने पौधा लगाया और 3 ही 4 महीने बीते, 1-2 फल तो आपको ऐसे ही दिख जाते हैं। तो जो डिक्लेरेशन होता है, जो प्रिडिक्शन होता है, वो एक स्लॉट पे ऑन एन एवरेज होता है, और उसमें एक बहुत कोई रूल सेट ऐसा नहीं है कि ये ही होगा अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है बच्चों आपको भी वो जवाब मिल गया होगा जो मैं लगातार पढ़ रही हूँ 2-3 दिनों से, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जो भाई बंधु हैं वो आपस में एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। तो मैं वो भी पढ़ रही हूँ और मुझे खुशी होती है कि आप लोग खुद तो अवेकन हो रहे हैं, अपने साथ के जो अपने भाई बहन हैं उनको भी मदद कर रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपकी इस फीलिंग को
कि अपनी अवेकनिंग के साथ साथ आप सभी एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं। तो एक बार पुनः बहुत 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 बधाई कि हमारा परिवार बढ़ रहा है और बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक दो ट्रोलिंग ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं आते ही ज़रूर हैं, तो मैं कहूँगी कि नेगेटिव एनर्जी को दूर करना ही हमारा काम है और अपने अंदर से नेगेटिविटीज़ को बाहर निकाल फेंकना हमारा काम है। तो बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ट्रोलिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको हर जगह मिलेंगे, यहाँ तक कि ईश्वर की सत्ता को नकारने वाले लोग भी हैं, तो उनको बिल्कुल इग्नोर करते हुए बिल्कुल अपनी पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हुए आप प्रयास करें, अपनी जर्नी की तरफ बढ़ें, अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ें। और कुछ लोगों का एक डिमांड है, एक रिक्वेस्ट है कि सोल पर्पस के बारे में ज़रूर बताया जाए दीदी, कि हमें कैसे पता लगे कि सोल पर्पस क्या है। तो कुछ एक टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं आपके लिए, मगर जो अर्जेंट चैनल होता है, जो अर्जेंट मैसेज आ रहा होता है शिव जी की तरफ से, तो वो हो जाता है कि पहले उसको डिलीवर करना है। इसलिए हो सकता है आपके लिए जो मैंने सोच रखे हैं कुछ वीडियोस जो आपकी डिमांड के हैं, वो एक कुछ दिन लेट हो सकते हैं, मगर मिलेंगे ज़रूर, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। जिसमें आपके चक्रा हीलिंग भी हैं, आपके कुछ बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं जिनको मुझे एक साथ रिजॉल्व करके आपको बताने हैं। तो दोस्तों, आज की इस सुंदर एनर्जी के साथ और पुनः बधाई, जो आपका परिवार, जो हम सभी हैं, वो दिन पर दिन ग्रोथ कर रहे हैं। और बहुत अच्छी फीलिंग है ये मेरे लिए कि जितने प्योर इंटेंशन से मैं ये शुरुआत कर रही थी अपने सोल पर्पस की, तो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है कि वो एक दूसरे को सहयोग कर रहा है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उन सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और बधाई देती हूँ जो अपने साथी भाई बहनों को भी साथ में लेके अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, उनके कन्फ्यूजन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे वहाँ पर बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है और बहुत खूबसूरत तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं। तो उन सभी को बहुत बहुत प्यार और बधाई और ब्लेसिंग्स। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको सभी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और मैं फ़ोन पे भी कुछ हीलिंग सेशंस ले रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा बिजी चल रहा है इस समय शेड्यूल। संभवतः एक दो मैसेज मुझसे मिस हो जाते हों जिनका जवाब मैं ना दे पा रही हूँ, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जब भी मैं देखती हूँ, मैं ज़रूर आपको जवाब देती हूँ आपके क्वेश्चंस का। तो आज के लिए इतना दोस्तों, बहुत बहुत प्यार, ओम नमः शिवाय।